I set up a $10,000 heads up on Daily Fantasy if you want to battle that with me. And if you only got $25, I got a little kitty game for you. दोस्तों, लड़कियों से चारों ओर घिरे इस बंदे को तो आपने देखा ही होगा। इन भाई साहब का नाम है डैन बिल्जेरियन, जिन्होंने अयाशी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया है कि बड़े बड़े राजा महाराजा अरबपति वगैरह सब इनकी अयाशी भरी जिंदगी के सामने फेल है। 41 साल के इस मिलीनियर की अयाशियां देखकर हर लड़का अपने आप को कोसने लग जाता है। बड़ी हॉलीवुड हीरोइनों के साथ पार्टी से लेकर 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ सोने का दावा करने वाला यह जनाब कुछ ज्यादा ही मजे की जिंदगी जी रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठे में कीड़े बड़े जल्दी लग जाते हैं। तभी तो इनकी जिंदगी का सच सामने आया तो लोग इन्हें इंटरनेट का सबसे बड़ा धोखेबाज कहकर बुलाने लगे। अब क्या है असली कहानी और क्यों इस बंदे ने दुनिया भर के लोगों का दिमाग खराब करके रखा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब एक नॉर्मल बंदा पार्टी करता है तो वो सोचता है बस कहीं से दारू का जुगाड़ हो जाए। लेकिन जब डैन भैया अपनी पार्टी के लिए निकलते हैं तो इनकी पार्टी में ना ही शराब की कमी होती है ना शबाब की कमी। तो छोड़िए, इन चीजों का ऐसा भंडार होता है कि देखकर दिल खुश हो जाए। और जब ये इन सारी चीजों की तस्वीरें इंटरनेट पर डालते हैं तो एक अलग ही तहलका मच जाता है। बहुत ही कम समय में डैन भैया ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। जब ये जनाब पानी की तरह पैसे बहा रहे थे तो इनसे पूछना लाजमी था कि आखिर इनके पास ये दौलत आई कैसे, जिसके जवाब में भाई साहब कहते हैं कि इन्होंने $5 करोड़ केवल पोकर खेल कर जीते हैं और उसी पैसे के दम पर आज ये इतने अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़े बड़े पोकर प्लेयर्स जो सालों से इस खेल में एक्सपर्ट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि केवल पोकर खेलकर इतने पैसे कमाना नामुमकिन सा है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि डैन को पोकर खेलना ही नहीं आता, ये एक नौसिखिए की तरह पोकर खेलते हैं। जब डैन भैया पर लगे गंभीर आरोप सामने आने लगे तभी इनका साल 2009 का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें पोकर टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो 180वें नंबर पर रहे थे। अब आप खुद ही बताइए, जो बंदा टूर्नामेंट में टॉप 100 के अंदर जगह नहीं बना सकता, वो भला पोकर खेलकर इतने सारे पैसे कैसे कमाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके कई सारे और झूठ सामने आ रहे हैं। जैसे डैन का ये वादा था कि इन्होंने अमेरिकन मिलिट्री में 4 साल तक सर्विस की है, और हद तक तब हो गई जब भाई साहब कहते हैं कि इन्होंने अमेरिकन नेवी सील बनने का ट्रेनिंग भी लिया है। आपको बता दें, अमेरिकन नेवी सील दुनिया के सबसे सख्त कमांडो में से एक माने जाते हैं। इसी बात में थोड़ा और मिर्च मसाला मिलाते हुए डैन कहते हैं कि इन्होंने पूरे 510 दिन तक इसकी ट्रेनिंग ली और इसी बीच इनकी दोनों टांगे भी टूट गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। और ट्रेनिंग पूरी होने के 2 दिन पहले इन्हें जलन के कारण इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया। पर दोस्तों, अमेरिकन नेवी सील की ट्रेनिंग 510 दिन की नहीं बल्कि 24 हफ्तों की होती है, और ये इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है कि पहले राउंड में 70% लोगों का सफाया हो जाता है, और अगर कोई चोट वगैरह लग गई तब तो कैंडिडेट को तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और किसी भी बंदे को 2 दिन पहले निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमेरिकी सरकार इन लोगों पर तब तक इतना पैसा और समय खर्च कर चुकी होती है कि अब अपना पैसा बर्बाद तो करेगी नहीं। यानी कि डैन भैया की सारी बातें तो खोखली निकली। अब आइए जरा इनकी अय्याशियों भरी बातों पर नजर डालते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ सो चुके हैं। डैन अपने $6.5 करोड़ के आलिशान बंगले में लड़कियों के साथ अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। असल में दोस्तों, इन भाई साहब का अपनी रईसी को इस तरह से इंस्टाग्राम पर दिखाना और अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाना इनकी एक सोची समझी चाल है। डैन अपने आप को एक हीरो की तरह दिखाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। जब उनके खर्चों की जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये भाई साहब पूरी तरह से ठन गोपाल है, बल्कि इनका सारा खर्चा तो इनकी कंपनी इग्नाइट के पैसों से चलता है जो 2018 में इन्होंने शुरू की थी। अब आप बोलेंगे, पैसा इनका हो या कंपनी का क्या फर्क पड़ता है? तो भैया, जरा टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं, क्योंकि इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी में पैसा लगाया और वही पैसा इन्होंने अपने अय्याशियों में उड़ा दिया। इनकी कंपनी का दावा था कि प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कंपनी कुछ बेच ही नहीं रही, बल्कि कंपनी बस ये चाहती है कि लोग इस पर अपना पैसा लगाएं,
ताकि डैन भाई साहब की याशी भरी जिंदगी चलती रहे। इस बात का पता चलते इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा कंपनी से निकाल लिया और इसी वजह से आज इग्नाइट डूबने के कगार पर आ गई है। और ये भी सुनिए, बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला डैन जिस घर में अपना बता रहे हैं वो इन्होंने किराए पर लिया हुआ था और इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले सभी लड़कियां मॉडल्स थी जिन्हें पैसा देकर वो अपने घर पर बुलाते थे ताकि इंस्टाग्राम पर फर्जी का शो ऑफ कर सके। यानी कि इनका पूरा प्लान यही था कि ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहें और उनके निवेश किए हुए पैसों से शानदार जिंदगी के मजे उड़ाते रहें। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इग्नाइट कंपनी शुरू करने से पहले इनके पास पैसे ही नहीं थे। ये पहले भी काफी मशहूर और पैसे वाले थे जो इनके मुताबिक इन्होंने पोकर खेलकर जीते थे। लेकिन हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पोकर के कितने बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए पोकर खेलकर इतने पैसे जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर इतने पैसे इनके पास आए कैसे? तो दोस्तों, ये कहानी जानने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना पड़ेगा, जब पॉल बिल्जेरियन नाम के एक बिजनेसमैन को अमेरिकन अथॉरिटीज ने टैक्स फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे क्राइम्स के लिए गिरफ्तार किया। पॉल को पूरे 13 महीनों की सजा हुई और इस धोखाधड़ी के लिए इन्हें 6,30,00,000 का फाइन देने के लिए कहा गया। लेकिन पॉल ने केवल 30 लाख का फाइन चुकाकर खुद को कंगाल घोषित कर दिया। कहा जाता है पॉल ने बाकी का पैसा कहीं छुपा दिया था और 2 अलग-अलग ट्रस्ट फंड बनाकर उस पैसे को अपने बच्चों के नाम कर दिया। अब नाम से तो आप समझ गए होंगे कि डैन बिल्जेरियन इसी धोखेबाज पॉल बिल्जेरियन के बेटे हैं और जिनके बाप ने उनके लिए धोखाधड़ी की काली कमाई छुपा रखी थी। पर डैन भाई साहब ने सारा पैसा खुले में तो खर्च किया नहीं, इन्हें इस काले पैसे को सफेद बनाकर बाहर लाना था, इसलिए इन्होंने खुद को बहुत काबिल पोकर खिलाड़ी दिखाया और ये बताया कि सारा पैसा इन्होंने पोकर खेलकर जीता है, जो कि सरासर झूठ है। बाद में इसी पैसे से डैन ने इग्नाइट नाम का ब्रांड बनाया और अपने बाप की तरह लोगों को ठगने का काम शुरू किया। और इनकी ठगी की ये कहानी तब और ज्यादा मशहूर होने लगी जब लोगों को ये पता चला कि इग्नाइट कंपनी को अमेरिका के नहीं बल्कि पड़ोसी देश कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है ताकि कोई गड़बड़ हो तो कानूनी तौर पर ये गुनाहगार साबित न हो। डैन बिल्जेरियन ने अपनी झूठी शान और शौकत दिखाकर लोगों को ठगने का काम तो किया ही है, इसके अलावा ये भाई साहब खुद को जितना हीरो दिखाते हैं उसका 1% भी हीरो पना इनके अंदर नहीं है, क्योंकि इनका महिलाओं के प्रति रवैया बहुत बुरा है। ये महिलाओं को इंसान ना होकर एक खिलौने की तरह समझते हैं। कई बार डैन के महिलाओं के साथ बदसलूके के भी वीडियो इंटरनेट पर सामने आए हैं और एक बार तो उन्होंने एक पोर्न एक्ट्रेस को छत से डायरेक्ट स्विमिंग पूल पर धक्का दे दिया जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन इन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तो अपनी मस्ती में मगन होकर अलग ही दुनिया में जीते चले गए और कभी किसी से माफी नहीं मांगी। और इनके काले कारनामे यहीं पर खत्म नहीं होते, बंदूक और नशीली चीजों को प्रमोट करना इनकी बेहुदा आदतों में शुमार था। खैर, जब से इनका भांडा फूटा है तब से लोगों को समझ में आ गया है कि हर वो बंदा जो इंस्टाग्राम पर खुद को हीरो दिखाए वो असल जिंदगी में हीरो हो जरूरी नहीं है। और ये तो इंटरनेशनल किस्सा हो गया, हमारे देश में ही राज कुंद्रा जैसे न जाने कितने ठग लोगों के खून पसीने से कमाए पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं और लोग उनकी झूठी जिंदगी को देखकर वाह वाह करते रह जाते हैं। दोस्तों, अभी भी मौका है इस तरह का दिखावा करने वाले लोगों से बचें और उन लोगों को अपना हीरो बनाइए जिन्होंने असल जिंदगी में अपनी हिम्मत और ताकत से लोगों की जिंदगी बदली है। क्योंकि फिल्मी हीरो तो आते जाते रहते हैं लेकिन असल जिंदगी में कारनामे करने वाले लोग ही सही मायनों में हीरो कहलाते हैं। अब आपका इस तरह के दोगले लोगों के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी तरह की रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।